नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन में यूनिट संख्या 5 का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है 20, सहकारिता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। सहकारिता के सिद्धांतों को हम अध्ययन करने से पहले, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सहकारिता से क्या समझते हैं, सहकारिता की विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व और सहकारिता के लाभ एवं कमियों के बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की थी। आज का टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी यूनिट संख्या 5 में ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही आता है। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से अध्ययन करना है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सहकारिता के सिद्धांत से संबंधित आपके यूनिट संख्या 5 में प्रत्येक वर्ष हर साल एग्ज़ाम में प्रश्न पूछते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझना है और इसका अच्छे से आपको अध्ययन करना है, बुक्स के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से आपको अच्छे से इसको क्रियान्वयन या अच्छे से इसको समझना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। जैसा कि आपको पता है कि सहकारिता से क्या तात्पर्य है, सहकारिता का गठन जब हम करते हैं या सहकारिता का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर के एक सेवा भावना से होता है, इसी प्रकार सहकारिता के जो सिद्धांत हैं उनके अनुरूप, उनके अनुसार व्यक्ति को चलना होता है, चाहे वो कोई संस्था हो या NGO हो। तो हमें सर्वप्रथम सहकारिता के सिद्धांत के बारे में जानना ज़रूरी है कि सहकारिता के सिद्धांतों को समझने से पहले हम सहकारिता के सिद्धांत के बारे में, इसकी भूमिका, पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। सहकारिता की विचारधारा को समझने के लिए हमने सहकारिता सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि सहकारी उपक्रमों को अन्य आर्थिक उपक्रमों से अलग प्रकट करने के लिए सहकारी आंदोलन एवं प्रेरणाओं के कुछ विभिन्न निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ये सिद्धांत आंदोलन के भावी विकास का मार्ग दर्शन करते हैं। सहकारी सिद्धांत वे विचार व आदर्श हैं जिनके द्वारा सहकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। सहकारिता के ये सिद्धांत बड़े विचार विमर्श, तर्क विकट और उपरांत निर्मित किए गए हैं। सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का उपयोग कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। इस प्रकार ये है, सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं। परिभाषाओं की हम बात करें तो प्रोफेसर DG कर्वे ने कहा है कि सहकारिता सिद्धांत सहकारी क्रियाओं को संगठित व संचालित करने की एक ऐसी विधि है जो सहकारी आंदोलन के आदर्श या उद्देश्य से अंतर्निहित या फिर अनिवार्य उप सिद्धांत या उपपरिणाम के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा नियुक्त आयोग के अनुसार ये कहा गया है कि ये सिद्धांत वे व्यवहार हैं जो सहकारी आंदोलन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक अर्थात सर्वथा अनिवार्य हैं। WP वाटकिंस ने कहा है कि सहकारिता में अंतर्निहित शाखाएँ एवं विचार की सहकारिता के सिद्धांत हैं जो निश्चय करते हैं कि कार्यविधि के रूप में इसका स्वरूप क्या है। इन विचारों की प्राप्ति ही सहकारी क्रियाओं का प्रयोजन के रूप में है। PR दुबासिया ने भी कहा है कि सहकारी सिद्धांत सामाजिक विज्ञान के वे सिद्धांत हैं जो सहकारी उपक्रम की विशेषताओं को स्पष्ट करने के साथ संचालन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार सहकारिता के सिद्धांतों की हम बात करें तो सहकारिता के सिद्धांतों की मूलभूत विशेषता ये हुई कि ये एक संघ के रूप में सहकारिता की प्रकृति, उसके आचरण को निर्धारित करते हैं। ये सिद्धांत आधारभूत तथ्य हैं जिन्हें सहकारी उपक्रम या संगठन के सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाता है। सिद्धांतों के अभाव में सहकारी पद्धति का सफल संचालन करना कठिन है, क्योंकि वास्तव में सहकारी सिद्धांतों का पालन करने या न करने पर सहकारिता की सफलता या असफलता निर्भर करती है। तो सहकारी सिद्धांतों का इतिहास के बारे में हम बात करें तो सर्वप्रथम 21 दिसंबर 1844 में रॉकलैंड ने 18 बुनकरों ने सहकारी सिद्धांतों के अग्रदूत माने, जो कि हम माने इसके इतिहास की, तो 21 दिसंबर 1844 को रॉकडेल ने
21 दिसंबर 1844 ने रोक डेल ने इस सिद्धांतों के बारे में कहा। रोकडेल ने कहा है कि रोकडेल ने मुख्यतया 28 बुनकरों ने इन सिद्धांतों का क्रियान्वयन किया गया। जो कि हम बात करें रोकडेल के अनुसार, जो कि सर्वप्रथम सहकारी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, उन्होंने उपभोक्ता भंडार के कुशल प्रबंध संचालन के लिए आधारभूत व्यापारिक पद्धतियों को लगातार 2 वर्ष तक विचार विमर्श करने के बाद रोकडोल ने इन बुनकरों को कुछ आदर्श स्थापित करने के लिए सहकारी जगत का सिद्धांत भी माना गया है। तो इस प्रकार इन्होंने प्रजातांत्रिक नियंत्रण, खुली सदस्यता और क्रय पर लाभांश, नकद व्यापार, पूंजी पर निश्चित ब्याज, शुद्ध मिश्रित पदार्थों की पूर्ति, शिक्षा की व्यवस्था, धार्मिक और राजनीतिक तटस्थता आदि का मूल सिद्धांत इन्होंने दिया। उसके बाद में 1862 में जर्मन के विख्यात सहकारी आंदोलन रेफिशियन ने भी इस सिद्धांत को दिया। इसके बाद में 1862 में जर्मन के अर्थशास्त्री ने भी ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें रोकडेल के बाद में विभिन्न प्रकार से विख्यात रूप से रेफिशियन ने 1862 में सहकारिता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसमें मुख्यतः राज्य की सहायता का आत्मसात, सीमित कार्य क्षेत्र 1 ग्राम तक और लाभ का अविभाज्य संचय का स्थानांतरण को शामिल किया गया। तो अनिवार्य सिद्धांतों की हम बात करें सारभूत रूप से, खुली सदस्यता जिसमें ओपन मेंबरशिप, प्रजातांत्रिक नियंत्रण, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, क्रय पर लाभांश, डिविडेंट ऑन परचेज, पूंजी पर सीमित ब्याज को शामिल किया गया। ऐच्छिक व अनावश्यक सिद्धांत के रूप में धार्मिक, राजनीतिक तटस्थता, नकद बिक्री और शिक्षा के प्रसार को भी शामिल किया गया। तो इस प्रकार सहकारिता के सिद्धांत ने विभिन्न रूप से हम बात करें तो रोकडेल ने 7 सिद्धांत दिए, जिसमें पहली खुली ऐच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक नियंत्रण और पूंजी पर सीमित ब्याज का, धार्मिक व राजनीतिक तटस्थता, नकद व्यापार, शिक्षा की व्यवस्था। रेफडेन ने भी 7 सिद्धांत, जिसमें राज्य की सहायता से आत्मसहायता, सीमित कार्य क्षेत्र, लाभ का संचय से स्थानांतर, अंशों के विधान के बिना सदस्यता, असीमित दायित्व, व्यावसायिक सदस्यों द्वारा सीमित और सेवा भावना से कार्य संचालन। सुलझे डेनिस ने भी दिया निजी व सार्वजनिक बाह्य सहायता के बिना आत्मसहायता, अधिक विस्तृत कार्य क्षेत्र में लाभ का व्यवहारों के अनुपात में विभाजन, अंशों पर ऊंची दर से ब्याज, सीमित दायित्व, व्यापार में विशिष्टीकरण, लाभ के 10% पर संचय कोष। तो हम सहकारिता के हम ये विभिन्न प्रकार के सिद्धांत थे। अब हम बात करेंगे सहकारिता के आधुनिक सिद्धांतों की। सहकारिता के आधुनिक सिद्धांतों में तो पहला है ऐच्छिक व खुली सदस्यता का सिद्धांत। ऐच्छिक एवं खुली सदस्यता का सिद्धांत भी इसमें शामिल किया गया, जिसमें ऐच्छिक व खुली सदस्यता की बात करें तो कोई भी व्यक्ति विशेष इसमें आए जाए, ये है तो ये एक ऐच्छिक संगठन है। ये एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें एक समिति की सदस्यता ग्रहण करे या न करे, कोई भी व्यक्ति उसकी विचारधारा का विश्वास करता है, स्वेच्छा से सदस्य बन सकता है और चाहे तो सदस्यता से त्याग पत्र भी दे सकता है। तो इसलिए खुली सदस्यता है, कभी भी आए कभी भी जाए आपकी कोई नहीं है। अगला है प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक नियंत्रण, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक नियंत्रण, प्रजातांत्रिक एवं या लोकतांत्रिक नियंत्रण। इसमें प्रजा या जनता या लोगों पर लोगों का नियमन नियंत्रण होता है। जिसमें हम बात करें लोकतांत्रिक नियंत्रण का, से संस्था के सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व या संस्था का संचालन व नियंत्रण से है, जिसमें सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को बराबर अधिकार है और प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का भी अधिकार है, चाहे अपने नाम कितने अंश हो। दूसरे शब्दों में मत देने का अधिकार अंशों में
अनुपात में होता है, जो संस्था का प्रत्येक सदस्य चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो मत देने का समान अधिकार होता है। तो इसमें प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक का भी नियंत्रण होता है, या फिर लाभ का वितरण का सिद्धांत। तीसरा है लाभ वितरण का सिद्धांत। लाभ वितरण के सिद्धांत की हम बात करें तो सहकारिता का उद्देश्य मैंने बताया, सेवा उद्देश्य के सामने ही क्रय कार्य, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। लाभ वितरण के सिद्धांत का आविष्कार रोकडेल ने किया, जो कि मुख्यतः सेवा भावना पर इन्होंने जोर दिया। तो इस प्रकार सेवा। अगला है पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धांत। चौथा है पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धांत। पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धांत भी इसमें सम्मिलित है। पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धांत में मुख्यतः सीमित ब्याज का सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो रोकडेल ने भी अग्र माना है कि पूंजी पर कोई ब्याज देना नहीं चाहिए, तो पूंजी के शोषण का आधार मानते थे, क्योंकि बिना पूंजी के पूंजी उपलब्ध होना दुर्बल था। तह पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धांत, इसमें कुछ प्रतिशत देकर आवश्यक मात्रा की पूंजी प्राप्त की जा सके, आज ये धारणा ही प्रबल होती जा रही है। उत्पादन के अन्य साधनों की भांति पूंजी को भी ब्याज के रूप में पारिपोषित मिलना चाहिए। समस्या इस पहलू पर विचार करते हुए भी विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भी इस पर विचार किया है। अगला है सहकारिता के मध्य सहयोग का सिद्धांत। सहकारिताओं के मध्य सहयोग का सिद्धांत। सहकारिताओं के मध्य सहयोग का सिद्धांत भी एक अहम है, क्योंकि सिद्धांत का प्रतिपादन 1966 में ICA कमीशन ने किया, क्योंकि सहकारिता विकास के लिए सहकारी संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। क्योंकि यह सिद्धांत का आशय है कि समस्त सहकारी संगठनों या स्थानीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर संभव तरीके से सक्रिय सहयोग होना चाहिए, ऐसा करने पर अपने सदस्य पूरे समाज हितों पर कार्य कर सके। तो सहकारिता के मध्य भी एक अहम भूमिका के रूप में। अगला है सहकारी शिक्षा का सिद्धांत, कोऑपरेटिव एजुकेशन। सहकारी शिक्षा का सिद्धांत, सहकारी शिक्षा का सिद्धांत भी एक अहम सिद्धांतों में माना जाता है, जो कि महत्वपूर्ण रूप से निर्वहन कर रहा है। सहकारिता आंदोलन में स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी शिक्षा का सिद्धांत आवश्यक है, जो रोकडेल ने एक महत्वपूर्ण रूप से 2.5 भाग शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान रखा, जो कि सुलझे व प्रणाली के सिद्धांत पर ही इन्होंने बल नहीं दिया शिक्षा पर, क्योंकि कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जिसमें सदस्य सुयोग्य हो। इसलिए मेडिसन ने यह कहा है कि लोगों के पहले शिक्षित किए बिना उसके हाथ पे कार्य संचालन की जिम्मेदारी सौंपना बेहद ही अंत शुरुआत होगी। तो इस प्रकार सहकारिता के ये आधुनिक सिद्धांत हैं। अब सहकारिता के अन्य सिद्धांतों में की हम बात करें तो सहकारिता के अन्य सिद्धांतों में पारस्परिक सहायक व आत्म सहायता का सिद्धांत सम्मिलित है, जिसमें सेल्फ हेल्प थ्रो म्यूचुअल हेल्प, नकद व्यापार का सिद्धांत, कैश ट्रेडिंग, नकद व्यापार का सिद्धांत भी एक अन्य सिद्धांतों में सम्मिलित किया जाता है। मितव्यता कुशलता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, सेवा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सर्विस, एकता व बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी, एक न्याय व समानता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विलिबिलिटी, प्रचार का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी, अवैतनिक सेवा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ हॉनरेरी सर्विस, सामाजिक व धार्मिक तटस्थता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल्स एंड रिलीजन्स का सिद्धांत, सहक संगात्मक संगठन फेडरल स्ट्रक्चर, ईमानदारी से व्यापार का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्ट ट्रेडिंग, सामाजिक स्वामित्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सोशल ओनरशिप, राज्य संरक्षण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पेनल्टी। तो इस प्रकार सुदृढ़ता का सिद्धांत है, प्रशिक्षण का सिद्धांत है, स्वसाथी समिति का सिद्धांत है। तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं जो कि महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार हम सहकारिता
के सिद्धांत और सहकारिता के सिद्धांत बारे में हमने चर्चा करी। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सहकारी साख संस्थाएँ कौन कौन सी हैं, सहकारी साख संस्थाओं की कौन कौन सी कमियाँ रही हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे, उसके तब के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।